जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। देखो किस प्रकार सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और सनातन धर्मी कई बार ये सोच के चुप रह जाते हैं कि हमें क्या लेना देना है। आपको जागना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ही इसलिए लिया था कि अधर्म का विनाश किया जाए, और जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, जन्माष्टमी का समय आ रहा है नज़दीक। सभी हिंदुओं को, सनातनियों को एक प्रतिज्ञा करनी होगी। ये लोग जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जैसे इसने उदय निधि ने सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू जैसी बीमारियों के रूप में बताया है और कहा कि इसका विरोध नहीं करना, सनातन धर्म को ख़त्म करना है। इस तरह की सोच है। ये जो महा ठगबंधन इकट्ठा हो रहा है, ये सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए हो रहा है। और मैं ये कहूँगा आप लोगों से, इनके विरुद्ध आपको डंडे नहीं उठाने हैं, इनके विरुद्ध एक ही शस्त्र चलाना है, और वो शस्त्र है वोट का। जब ये आपके हम वोट मांगने आए ना, तब इनसे पूछना कि तुम जो बिगड़े बोल बोलते हो सनातन धर्म के खिलाफ, वो किस ताकत से बोलते हो। हिंदुओं की वोट में वो ताकत है, सनातन धर्म की वोट में वो ताकत है। इन्हें सबक सिखाया जा सकता है और सबक सिखाना चाहिए। सिर्फ एक ही उपाय है इनका, और वो है वोट की ताकत। आपने समय से इनके खिलाफ वोट डालना है बस। बीजेपी जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आ रही है, बीजेपी को मजबूत करो, ये अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। बहुत विषैले लोग हैं ये लोग, इनके अंदर बहुत जहर भरा हुआ है, और इनका जहर खत्म करने का एक ही उपाय है, इनका विरोध करना।